व्हाट्सएप है एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब लोग घर पर अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, फिट होंगे। तो गाइज एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइज आज मैं उस वीडियो की बात कर रहा हूँ जिस वीडियो के लिए आप बहुत टाइम से मुझे कमेंट कर रहे हैं और इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर रहे हैं कि भाई आर्म्स वर्कआउट की वीडियो बनाओ, आर्म्स वर्कआउट की वीडियो बनाओ। तो गाइज आज हम देखेंगे कि कैसे आप घर पर बनाए हुए डंबलों के साथ, होम विथ ओनली विथ डंबल के साथ आप कैसे फुल बाइसेप्स और ट्राइसेप्स वर्कआउट कर सकते हैं। तो गाइज मैं आपको आज पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोगों के मुझे कमेंट भी आ रहे थे कि भाई हमें ये भी बताओ कि हमें सेट के बीच में कितना रेस्टिंग टाइम लेना चाहिए, कितना रेस्ट करना चाहिए, एक सेट में कितने रैप मारने चाहिए, कितना क्या करना चाहिए। मतलब आपके बहुत सारे क्वेश्चन है जो आई होप इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो गाइज आज मैं इस वीडियो को पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है तो प्लीज़ वीडियो को आपको पूरे लास्ट तक देखना है। आप कह रहे हैं तभी वीडियो तो एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, ऐसा नहीं स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं पाएंगे अच्छे से। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, पूरे एंड तक देखना है कि किस सेट के बीच में कितना रेस्ट लेना है और कितने किस सेट के मूवमेंट परफॉर्म करनी है, कितनी रैप परफॉर्म करनी है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हम मोबिलिटी करेंगे। मोबिलिटी हम क्यों करते हैं, जैसा कि हमारी बॉडी एकदम मतलब शांत होती है, हम एकदम से आए हैं, अगर हम एकदम से वर्कआउट करने लग जाएंगे, बॉडी को कुछ पता ही नहीं कि क्या चल रहा है, बॉडी तैयार भी नहीं है वर्कआउट के लिए, और आप एकदम से वर्कआउट करने लग जाएंगे, सेट मारने लग जाएंगे, तो इससे आपको इंजरी हो सकती है। तो सबसे पहले मोबिलिटी करेंगे। मोबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके वर्कआउट का, क्योंकि इससे आपकी बॉडी तैयार हो जाती है वर्कआउट के लिए, आपके मसल्स मोबिलाइज हो जाते हैं कि हाँ, उन्हें पता लग जाता है कि हाँ भाई अब हम कुछ करने वाले हैं, तो पहले से उसके लिए तैयार रहते हैं, तो उससे इंजरीज को अवॉइड किया जा सकता है। तो मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूर करना है आपको। ओके गाइस, तो आपको हर मोबिलिटी को कम से कम 30 सेकंड परफॉर्म करना है। अगर आप मतलब कहने का मतलब है, अगर आप दोनों साइड मोबिलिटी कर रहे हैं जैसे 1 2, तो दोनों साइड कम से कम आपको 30 सेकंड परफॉर्म करना है रिवर्स करके, ईच साइड मतलब 30 सेकंड होना चाहिए। ओके, तो अब बात करते हैं वार्म अप की। तो वार्म अप में हम सबसे पहले लाइट वेट के साथ, मतलब लाइट वेट डंबल के साथ तो वर्कआउट करेंगे, मतलब वार्म अप करेंगे। पहले एक्सरसाइज हमारी बाइसेप्स कर्ल है, तो बाइसेप्स कर्ल के लिए हमारे पास ये डंबल है। इससे पहले हम ईंटों के साथ दो ईंटे लेंगे, फिर उसके साथ वार्म अप करेंगे। वार्म अप के आप 2 से 3 सेट आराम से ले सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको नहीं लग रहा है कि हाँ बॉडी मोबिलाइज या अच्छे से वर्क नहीं कर रही, तो आप 2 से 3 सेट वार्म अप के अच्छे से लें, तो आपको लगे कि हाँ मेरी बॉडी वार्म हो चुकी है, तो तब आपको मेन सेट स्टार्ट करना है। तो अब हम मेन सेट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज वी हैव बाइसेप्स कर्ल, तो ये आपको डंबल के साथ करनी है। जस्ट डंबल को होल्ड करके तो गाइज आपको 8 से 10 रैप कम से कम इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करने हैं, और आपके इसको टोटल 3 सेट करने हैं। 3 सेट होंगे इस एक्सरसाइज के जो आपको परफॉर्म करने हैं। ओके गाइज, हर सेट के बीच में एक आपको कम से कम 2 से 3 मिनट का ब्रेक लेना है। कम से कम आप 2 से 3 मिनट का ब्रेक लेंगे, तब आपकी बॉडी पूरी तरह से नेक्स्ट सेट के लिए तैयार होगी।
तो हम 3 मिनट का पहले ब्रेक लेते हैं, फिर नेक्स्ट सेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज वी हैव बाइसेप्स हैमर का स्टेप। तीन सेट परफॉर्म करने हैं और आपको हर सेट के बीच में कम से कम 2 से 3 मिनट का ब्रेक लेना है। नेक्स्ट मूवमेंट वी हैव प्री सर्कल्स, थर्ड एक्सरसाइज फॉर बाइसेप्स। ओके, गाइज इस मूवमेंट के भी आपको कम से कम 6 से 10 रेप परफॉर्म करने हैं, 3 सेट करने हैं और हर एक सेट के बाद कम से कम 3 मिनट का ब्रेक लेना है। तो गाइज आपके बाइसेप्स वर्कआउट के लिए 3 मूवमेंट थे, ये 3 एक्सरसाइज बहुत है आपके बाइसेप्स वर्कआउट के लिए, इससे ज़्यादा आपको ट्रेन करने की जरूरत नहीं। अगर आप एक आध एक्सरसाइज और ऐड करना चाहते हैं तो आप रिवर्स कर्ल ऐड कर सकते हैं, बस जैसे ना। तो अब हम करेंगे ट्राइसेप्स वर्कआउट, क्लोज बेंच डंबल प्रेस। तो इन्हें हम डंबल के साथ एक बेंच पर परफॉर्म करेंगे। सेम गाइज आपको इस एक्सरसाइज के भी 3 सेट परफॉर्म करने हैं और कम से कम 8 से 10 रेप परफॉर्म करने हैं और हर सेट के बीच में 2 से 3 मिनट का ब्रेक लेना है। ओके गाइज, अगर कुछ लोग इसे डंबल से नहीं कर पा रहे हैं तो इसके अल्टरनेटिव पुशअप भी है, आप क्लोज ग्रिप पुशअप कर सकते हैं, उसमें आपको डाउन जा रहा है, अपने आर्म्स को क्लोज रखना है, पास में रखना है क्लोज और तब पुशअप करना। तो इसमें भी आप अपने ट्राइसेप्स को ही टारगेट करेंगे। नेक्स्ट मूवमेंट वी हैव ओवरहेड ट्राइसेप्स एक्सटेंशन। ओवरहेड ट्राइसेप्स एक्सटेंशन है आपका अगली मूवमेंट। तो इसमें हम यहाँ पे आपको डंबल को होल्ड करना है, उसे पुश, इसके भी आपको 8 से 10 रेप परफॉर्म करने हैं, एक सेट के बाद 3 सेट करने हैं और हर एक सेट के बाद कम से कम 2 से 3 मिनट का ब्रेक लेना है। जब आपको दोबारा से लगे कि हाँ हमारी बॉडी तैयार है तो उसके बाद फिर से नेक्स्ट सेट आपको स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज हमारे पास है लास्ट एक्सरसाइज, वी हैव स्कल क्रशर्स, वो भी ट्राइसेप्स के लिए है। तो उसे कैसे करेंगे, तो गाइज इसके भी आपको कम से कम 8 से 10 रेप परफॉर्म करने हैं, 3 सेट परफॉर्म करने हैं, हर सेट के बीच में 2 से 3 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर नेक्स्ट सेट परफॉर्म करना है। तो गाइज ये था आज का बाइसेप्स और ट्राइसेप्स वर्कआउट, 3 से 4 एक्सरसाइज आपके लिए इनफ है, काफ़ी है, उससे ज़्यादा आपको ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले बाइसेप्स की 10 एक्सरसाइज करेंगे या ट्राइसेप्स की 10 एक्सरसाइज करेंगे तो उसके बाद आपका बाइसेप्स ट्रेन होगा या ट्राइसेप्स ट्रेन होगा। मसल को सिर्फ उतना ही ट्रेन करना है जितना ज़रूरी हो, ओवर ट्रेन कभी नहीं करना चाहिए। ओवर ट्रेन करने से हमारा मसल ग्रो नहीं करेगा, सिर्फ मसल थकेगा और कुछ नहीं होगा। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगी।
तो गाइस अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जैसा आप लोगों ने कहा था कि भाई थोड़ा और अच्छे से हमें बताओ कि कितना ब्रेक लेना चाहिए, कितना क्या करना चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने वीडियो बनाई है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा है, बड़ा है, बट आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इसमें सारी बताई हुई बातें आपको सही लगेंगी या उन पर आप अमल करेंगे जो भी मैंने आपको बताया। तो गाइस अगर आपको अब भी इस वीडियो में कुछ डाउट है, कुछ और पूछना है, तो आप अगेन मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कहीं भी पूछ सकते हैं इस बारे में। तो गाइस कुछ लोग कह रहे हैं कि लाइव स्ट्रीम के साथ वर्कआउट के साथ वीडियो बनाओ, जो कि काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर मैं आपके साथ लाइव स्ट्रीम के साथ वर्कआउट करूँगा तो वीडियो एक घंटे तक हो सकती है, 40 मिनट, 45 मिनट। तो गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव स्ट्रीम के साथ, मतलब मैं भी आपके साथ वर्कआउट करूँ, पूरे 3-3 सेट परफॉर्म करूँ और आप भी फिर मुझे देख कर मेरे साथ वर्कआउट करें लाइव, तो गाइस उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कमेंट करेंगे, आप जैसा भी आपका रिस्पॉन्स होगा मैं उसके हिसाब से नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस आज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। सो थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।